तो मूवी के स्टार्ट में हमें दो आदमी दिखाई जाते हैं जो कि बेसिकली एक टैक्सी में होते हैं। एक टैक्सी को ड्राइव कर रहा होता है जबकि एक आदमी वहाँ बैठा होता है जिसने ब्लैक और रेड सूट पहना होता है। इस आदमी का नाम डेडपूल होता है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। ये कहीं जा रहा होता है और टैक्सी ड्राइवर से बातें कर रहा होता है। ये कहता है कि मैं अपने दुश्मन को ढूंढ रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी उसे ढूंढ लूं और उसे खत्म कर दूं। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? तो डेडपूल कहता है इसलिए ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। उसने मेरे फेस का बहुत बुरा हाल कर दिया है, उसने मेरी बॉडी पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। डेडपूल उसको अपना मास्क उतार कर दिखाता है और कहता है कि ये लो खुद ही देख लो। इसी के साथ बातें करते करते जब वो बैक सीट पर देखता है तो उसका वेपन्स वाला बैग नहीं होता। वो टैक्सी ड्राइवर से कहने लगता है कि अरे यार बैग तो मैं वहीं पर भूल गया, अब मुझे सिर्फ 2 तलवारों से काम चलाना होगा। इस वक्त उसके पास सिर्फ 2 स्वॉर्ड्स यानी तलवारें थी और एक गन थी जिसके अंदर सिर्फ 12 बुलेट्स थी और मुझे इन्हीं से उनको खत्म करना होगा। अब टैक्सी ड्राइवर को उसकी बातें काफी अजीब और फनी लग रही होती है और वो चुपचाप सुन रहा होता है। डेडपूल वहीं ब्रिज पर उतर जाता है और बच्चों की तरह टांगे हिलाकर कोई ड्राइंग बनाने लगता है। वो ऐसे ड्रॉ कर रहा होता है कि वो अपने दुश्मन को कैसे मारने वाला है कि तभी उसको वहाँ पर अपने दुश्मन की गाड़ियाँ नजर आती हैं। वो फौरन से उतर जाता है और उसके गन में जितनी भी बुलेट्स होती हैं उनसे उनके साथियों को मार डालता है। ये सीन काफी मजेदार है, उनकी गाड़ियाँ रोल होते हुए गिरती हैं। यहाँ हम पर रिवील होता है कि डेडपूल के दुश्मन का नाम फ्रांसिस होता है। वो काफी बड़ा विलेन था, काफी बुरा आदमी था। अब ये खबर मशहूर हो जाती है, हर जगह ये बात फैल जाती है कि डेडपूल और फ्रांसिस में लड़ाई हो रही है। ये न्यूज़ टीवी पर भी आती है। फिर हम घर में एक जॉइंट आदमी को देखते हैं जो कि स्टील का बना हुआ लग रहा था। उस आदमी को ये न्यूज़ देख के काफी गुस्सा आता है। वो एक टीनेजर लड़की को बुलाता है जिसके काफी छोटे बाल थे और वो दोनों गुस्से में डेडपूल से मिलने जाते हैं। अब यहाँ हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जबकि डेडपूल एक नॉर्मल इंसान था। वो अभी डेडपूल नहीं बना था, उसका नाम वेड होता है। वो सीधा एक बार में जाता है जहाँ पर उसका दोस्त भी होता है और वहाँ पर किसी जॉइंट आदमी की किसी दूसरे आदमी के साथ लड़ाई हो रही होती है। तो वेड ये देख कर एंजॉय कर रहा होता है। तभी वेड के पास एक लड़की आती है जिसका नाम वैनेसा होता है। वो वेड से आकर बातें करने लगती है और उसको काफी पसंद करने लगती है। अब आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब इनको एक साथ 1 साल हो चुका था लेकिन एक दिन वेड बेहोश होकर गिर जाता है। जब होश आने पर वो अपने कुछ टेस्ट करवाता है तो उसे पता चलता है उसके ब्रेन लिवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुन के वो काफी परेशान हो जाता है और वैनेसा भी। अब सीन डेडपूल पर शिफ्ट होता है। लड़ते लड़ते फ्रांसिस वहाँ से भाग चुका था लेकिन तभी वहाँ पर डेडपूल को आवाज आती है जैसे फ्रांसिस की बाइक उसके पीछे हो। जब डेडपूल पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वाकई फ्रांसिस होता है। डेडपूल अपनी स्वर्ड फ्रांसिस के हाथ पार कर देता है। फ्रांसिस के नाक से काफी खून आ रहा होता है। डेडपूल कहता है कि मैंने आज अपना बदला ले लिया, तुम ही थे ना जिसने मेरी शक्ल का ये हाल किया। इसी के साथ डेडपूल अपना मास्क उतार कर उसे अपना फेस दिखाता है। तो फ्रांसिस कहता है ओह अच्छा तो तुम वो हो। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से वो स्टील मैन आता है। वो वेट को उठा कर फेंकता है। यहाँ पर फिर से स्टोरी पास्ट के सीन में शिफ्ट होती है। वैनेसा वेट से कह रही होती है कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हम मिलकर इसका इलाज करवाएंगे। तो वेट कहता है कि नहीं वैनेसा, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता, मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, मैं इस तरह से नहीं चाहता। और ये कह के वहाँ से एक बार में आ जाता है। वो अपने उसी दोस्त के पास आकर बैठता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि यहाँ एक आदमी काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ मिलो उसे जाकर। और डेडपूल जब उसे जाकर मिलता है तो आदमी डेडपूल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक डिजीज है और तुम उसका इलाज करवाना चाहते हो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन साथ एक और बात, मैं तुम्हें सुपर पावर्स भी दे सकता हूँ। तो डेडपूल कहता है कि नहीं, मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीनी है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से आ जाता है। अब यहाँ से सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है और वो स्टील मैन डेडपूल से कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम अपनी पावर्स का गलत यूज क्यों कर रहे हो। तो डेडपूल स्टील मैन से कहता है कि मुझे मत सिखाओ, जिसने मेरे साथ बुरा किया मैं उससे बदला जरूर लूंगा। तभी वो टीनेजर डेडपूल से कहती है कि पीछे देखो, और जब डेडपूल पीछे देखता है तो फ्रांसिस वहाँ से भाग चुका होता है। डेडपूल को स्टील मैन पे काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है कि अगर तुम मुझे अपनी बातों में ना लगाते तो वो यहाँ से ना भागता। डेडपूल स्टील मैन को मारने लगता है लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो स्टील मैन की दोनों रिस्ट यानी बाजू और एक टांग टूट जाती है। तो स्टील मैन उसे कहता है यार तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उसे काफी जोर से हिट करता है जिससे डेडपूल दूर जाकर गिरता है और फिर उसकी रिस्ट अपने हाथ के साथ बांधकर उसे कहीं ले जाता है। अब डेडपूल यहाँ काफी अजीब हरकत करता है, उसे कहने की जगह कि मेरा हाथ खोल दो या वो लोग खुद खोलने की जगह वो अपना हाथ ही काट लेता है। उसके हाथ से काफी खून आने लगता है। कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो तो मर ही जाता, लेकिन ये सीक्रेट भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डेडपूल क्यों नहीं मरा। अब ऐसा करने के बाद डेडपूल ब्रिज से नीचे जंप लगा देता है और एक चंक ट्रक में गिरता है। अब यहाँ से सीन दोबारा से पास्ट में आता है। जब डेडपूल एक नॉर्मल इंसान था यानी वेट,
वो बेहोश हुआ होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह किसी जगह पर होता है और उसके आसपास दो लोग होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। वो दोनों उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हैं। वो लोग उसकी बॉडी पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसे काफी टॉर्चर करते हैं कि उस बेचारे की हालत खराब होने लगती है। उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं, कभी उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में रखा जाता है, कभी उसे बहुत ज्यादा मारा जाता है, यानी सब ऐसी चीजें जिससे वो टॉर्चर फील करे। ये वेट के साथ इसलिए किया जा रहा था ताकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया था। और ये वो इसलिए कर रहे थे ताकि वेट की बॉडी में कुछ म्यूटेशन आए और उसमें सुपर एबिलिटीज आए। अब वेट को एक जगह पर बांध कर लिटा दिया जाता है। उसके साथ एक और पेशेंट होता है, उसको भी ये लोग टॉर्चर कर रहे थे। वो वेट को बताता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है, यानी अब आपको पता चला कि ये वही फ्रांसिस है जिसके पीछे डेडपूल है, और ये उसके पीछे क्यों है ये भी सुन ले। अब फ्रांसिस वेट के पास दोबारा आता है और उसे एक ऐसे चैम्बर में डाल देता है जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती। उधर जाते ही वेट को सांस आना बंद हो जाता है, उसकी बॉडी काफी अजीब होने लगती है, जैसे उस पर किसी ने एसिड फेंक दिया हो और वो चलने लगी हो। फ्रांसिस उससे बातें करने लगता है लेकिन वेट चुप होता है, और जैसे ही फ्रांसिस जाता है तो वेट अपने मुंह से एक मैच स्टिक निकालता है। उसके चैम्बर से एक पाइप कनेक्टेड था जो कि सीधा सिलेंडर तक जाता था। मैच स्टिक चलाकर वहां फेंक देता है, पाइप आग पकड़ लेता है और पूरी लैब को आग लग जाती है। अब वेट वहां से बाहर निकल आता है और फ्रांसिस पर अटैक करने लगता है, लेकिन फ्रांसिस उसे पुश करता है जिससे वेट नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी काफी वीक हो चुकी थी। दोनों में बहुत लड़ाई होती है लेकिन वेट उसका सामना नहीं कर पाता। फ्रांसिस एक रोड उठाता है और वेट की आर पार कर देता है। दूसरी तरफ लैब जल रही होती है और उसके कुछ हिस्से जल जल कर नीचे गिर रहे होते हैं। फ्रांसिस तो वहां से भाग जाता है लेकिन वेट अभी तक वहीं था। अब कई घंटे गुजर जाते हैं, आग तो थम चुकी थी लेकिन पूरी बिल्डिंग राख में बदल चुकी थी। बेचारा वेट भी उसी राख के नीचे दबा हुआ था, और जब वो उस राख से बाहर आता है तो वो काफी हैरान होता है कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। असल में बात ये थी कि उसकी बॉडी में म्यूटेशंस आ चुकी थी और उसमें अब काफी ज्यादा सुपर एबिलिटीज थी कि वो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट हील कर सकता था। वो इमॉर्टल हो चुका था, लेकिन इसका बुरा असर ये हुआ था कि उस बेचारे की सारी बॉडी जल चुकी थी जैसे आपने पहले देखी। अब वेट को वैनेसा की फिक्र हो रही होती है कि वो बेचारी मुझे ढूंढ रही होगी, तो वो सीधा वहां से वैनेसा के पीछे जाता है। लेकिन रास्ते में सब लोग उसे काफी बुरी तरह से घूर रहे होते हैं, जैसे वो काफी अजीब दिख रहा हो, क्योंकि वेट को तो नहीं पता था कि अब उसकी शक्ल कैसी दिख रही है क्योंकि वो वहां से डायरेक्ट यहां वैनेसा के पीछे आ चुका था। इतनी ही देर में वैनेसा बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, और जब वेट बाहर शीशे में अपना फेस देखता है तो काफी दुखी हो जाता है। वो अपना फेस देख के कहता है कि वैनेसा मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। वहां से वेट सीधा उस बार में जाता है जहां पर उसका दोस्त होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि देखो मेरी शक्ल का क्या हाल हुआ, अब वैनेसा मुझे कभी नहीं बुलाने वाली। तो उसका दोस्त कहता है कि वाकई अब इसका क्या हल है। वेट कहता है कि बार में वो आदमी भी नहीं है जिसने मुझसे कहा था कि वो मेरा फेस ठीक कर सकता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वो आदमी अगर नहीं है जो तुम्हारी डिजीज ठीक कर सकता है, तो वो आदमी तो है ना जो तुम्हारा फेस ठीक कर सकता है, क्योंकि उसी ने तुम्हारा फेस बिगाड़ा है। तुम उसे ढूंढो, वो तो यही समझ रहा है कि तुम मर चुके हो और तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं आई, तो इसीलिए वो तुम्हें वहां से छोड़कर चला गया। तो तुम मेरे भाई अपने लिए एक काम करो, अपने लिए एक मास्क और एक सूट तैयार करो जिससे उसे पता चल ही ना सके कि ये तुम हो और तुम जिंदा भी हो। फिर उसके बाद तुम उसको ढूंढना और उस पर अटैक कर देना। मैं तुम्हारा नाम डेडपूल रखता हूँ। और बस यहाँ से वेट का नाम डेडपूल पड़ जाता है। वो अपने घर जाता है और एक व्हाइट कपड़े से अपने लिए मास्क तैयार करता है। यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है फ्रांसिस को ढूंढने की। अब उसे फ्रांसिस को ढूंढते ढूंढते एक साल हो चुका था, और वो बीच में जब फ्रांसिस को ना ढूंढ पाता तो उसके साथियों को मार डालता। अब वो वक्त भी आता है जब वो अपने लिए एक बहुत अच्छा ब्लैक और रेड सूट तैयार करता है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब डेडपूल को खबर मिलती है कि फ्रांसिस कहाँ हो सकता है। उसे वहाँ पर वही आदमी मिलता है जिसने उसे कहा था कि उसकी डिजीज ठीक कर सकता है। तो डेडपूल समझ जाता है कि इसका जरूर फ्रांसिस से कोई ना कोई लिंक है। वो उसे गुस्से से पूछता है कि कहाँ है फ्रांसिस, तो वो बेचारा आदमी डर जाता है और उसे बता देता है। अब सीन वहीं पर शिफ्ट हो जाता है जब हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया कि डेडपूल टैक्सी ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा होता है। अब पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स मर्ज हो जाते हैं और रियल स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर डेडपूल उस जंक ट्रक में गिर चुका था। अब डेडपूल को होश आ जाती है और जहाँ पर वो जंक ट्रक रुकता है ये देख के डेडपूल काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वह किसी बूढ़ी औरत का घर था जो उसके साथ लॉन्ड्री में आया करती थी। जब डेडपूल यानी वेट कपड़े धोने आता था, उसी बूढ़ी औरत ने वेट को ये सजेशन दिया था कि तुम अपना सूट ब्लैक और रेड कलर में तैयार करो। उन दोनों में काफी दोस्ती हो गई हुई थी कि वो बूढ़ी औरत ब्लाइंड होती है और वो वेट की शक्ल नहीं देख पाती, लेकिन यहाँ वेट उस बूढ़ी औरत को खुद ही बता देता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और यहाँ हम पर ये भी रिवील होता है कि जब वेट यानी डेडपूल का कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो वो दोबारा से हील करके रीग्रो
हो जाता है। ये उसकी सुपर पावर्स होती हैं, सुपर एबिलिटीज होती हैं। तो वो बूढ़ी औरत से कहता है, क्या मैं यहाँ तब तक रुक सकता हूँ जब तक कि मेरा हाथ वापस नहीं आ जाता, क्योंकि उसके बाद मुझे फ्रांसिस को ढूंढना है। अब हम फ्रांसिस को उसी फीमेल फ्रेंड के साथ देखते हैं जिसके साथ मिलकर उसने वेट में कुछ इंजेक्ट किया था। अब वो दोनों सीधा वेट के फ्रेंड के बार में जाते हैं। वो दोनों से पूछते हैं कि कहाँ है वेट, तो वो कहता है मैं नहीं जानता। फिर तभी वहाँ पे फ्रांसिस की दोस्त को वेट और वेनेसा की पिक्चर मिलती है, तो वो फ्रांसिस से कहती है कि फ्रांसिस मैं वेनेसा को जानती हूँ, अब वेट तक पहुँचना हमारे लिए आसान है। अब उन लोगों के जाते ही वेट का फ्रेंड जो कि बार में होता है वेट को कॉल करके सब कुछ बताता है। तो वेट काफी परेशान हो जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर वेनेसा काम करती थी, वो एक बार थी। वहाँ पर जाकर वो सब लोगों से पूछने लगता है कि क्या आपने वेनेसा को देखा है, वो मेरी दोस्त है। लेकिन जब वेनेसा खुद उसे नजर आती है तो उसमें इतना करेज नहीं होता कि वो उसे बात कर सके, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वेनेसा उसका फेस देख के डर जाएगी। तो वहाँ से वो वॉशरूम में चला जाता है। उतनी देर में वेनेसा को कोई बताता है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। वेनेसा समझती है कि वेट आया है, वो काफी एक्साइटेड होकर बाहर जाती है, लेकिन वहाँ वेट तो नहीं होता। लेकिन उसे फ्रांसिस और उसकी दोस्त किडनैप कर लेते हैं। जब डेडपूल डरता डरता वॉशरूम से बाहर आता है कि वेनेसा से बात कर सके, तो उसे वेनेसा कहीं नहीं दिखती। फिर उसे एक टेक्स्ट रिसीव होता है जो कि फ्रांसिस का था। फ्रांसिस का एक फेक नाम भी होता है जो कि एजेक्स होता है, इसी नाम से उसने टेक्स्ट भी किया होता है। कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि वेनेसा तुम्हें वापस मिल जाए तो इस लोकेशन पर आ जाओ। फिर डेडपूल अपने घर जाता है और सारे वेपन्स ले लेता है। ये अपने साथ स्टील मैन और उस टीनेजर को भी ले लेता है और वही टैक्सी पकड़ता है जिस पर ये पहले जा रहा था। अब ये लोग जंक यार्ड पहुंच जाते हैं जहां पर इनको फ्रांसिस ने बुलाया था, लेकिन डेडपूल यहां पर फिर से अपना वेपन्स वाला बैग टैक्सी में भूल जाता है। डेडपूल कहता है कि यार मेरे पास तो अब स्वॉर्ड ही है, क्या मैं स्वॉर्ड से ही लड़ूंगा। तभी वहां पर फ्रांसिस के साथ ही आ जाते हैं और ऊपर कंटेनर पर फ्रांसिस और उसकी दोस्त खड़े होते हैं। फ्रांसिस अपनी दोस्त को नीचे भेजता है जो कि इन तीनों से फाइट करने लगती है, लेकिन टीनेजर भी काफी तेज होती है, वो उससे फाइट करने लगती है। मैन बड़े बड़े टायर्स उठाकर फ्रांसिस के साथ ही ऊपर फेंकने लगता है। तीनों काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जब डेडपूल देखता है कि उसके साथी फ्रांसिस के साथियों को रोके हुए हैं, तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो फ्रांसिस तक पहुंच जाता है, क्योंकि कंटेनर के ऊपर होता है। यहाँ पर फ्रांसिस और डेडपूल की काफी लड़ाई होती है। नीचे फ्रांसिस की दोस्त ने टीनमैन का गला काफी जोर से दबाकर रखा होता है, लेकिन जब टीनेजर ये देखती है तो अपनी सारी पावर्स यूज करके उस लड़की की तरफ फेंकती है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ के सारे कंटेनर्स मूव करने लगते हैं। वेनेसा भी एक लास्ट चैम्बर में होती है, वो भी नीचे गिरने लगता है। अब फ्रांसिस तो कंटेनर से नीचे गिर जाता है, लेकिन जब वेनेसा का चैम्बर नीचे गिरने लगता है तो डेडपूल उसे बचा लेता है। इसके बाद वो वेनेसा को उसमें से निकालता है, लेकिन फ्रांसिस वहाँ दोबारा आकर डेडपूल पर अटैक कर देता है, लेकिन डेडपूल हील होकर दोबारा से उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। अब किसने कहा था फ्रांसिस को कि वो डेडपूल को सुपर एबिलिटीज दे के बाद में वो उसी पे भारी पड़ जाए। डेडपूल फ्रांसिस को काफी मारता है, फ्रांसिस के नाक और मुंह से काफी खून आने लगता है। अब डेडपूल फ्रांसिस से कहता है कि मेरा फेस ठीक करो अब, तो फ्रांसिस हंसने लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फेस ठीक करूंगा। तो डेडपूल कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इसी के साथ वो अपनी एक छोटी सी गन निकालता है और उस पर शूट करने वाला होता है कि तभी पीछे से स्टील मैन की आवाज आती है, वो उसे कहता है डेडपूल तुम अपनी पावर्स का गलत यूज करोगे, तुम एक हीरो हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डेडपूल उसकी बात नहीं सुनता, वो फ्रांसिस के फेस पर शूट कर देता है। स्टील मैन बाहर से जितना ह्यूज और पावरफुल दिखता था, अंदर से वो बेचारा उतना ही डरपोक था। उसे ये सीन देख के वॉमिटिंग होने लगती है। अब इस सब के बाद वेनेसा डेडपूल के पास आती है और उसे पंचेस मारने लगती है, तो डेडपूल उसे कहता है कि ठीक है मार लो, मैं जानता हूँ तुम राइट पर हो और तुम्हारा मुझे पंचेस मारना बनता भी है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, उसके बाद तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करोगी। तो वेनेसा कहती है कि ऐसी भी क्या बात है। डेडपूल उसे कहता है कि मेरा फेस मास्क उतार के देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो वेनेसा उसका मास्क उतारती है, उसके नीचे एक और प्रिंट होता है। जब वेनेसा उसे हटाती है तो वहाँ पर डेडपूल का रियल फेस होता है जो कि काफी जला हुआ था। वेनेसा उसका फेस देख के कहती है कि क्या बुरा है इसमें, तुम्हारी आंखें नाक मुंह सब कुछ तो ठीक है, स्किन का इशू है तो वो सबको होता है, हर किसी की स्किन वैसे भी फ्लॉलेस नहीं होती, मुझे जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाने वाली। दोनों बहुत खुश होते हैं, दोबारा से सुलह कर लेते हैं। तो यही डेडपूल पार्ट 1 खत्म होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग पार्ट 2। तो पार्ट 2 के स्टार्ट में हम डेडपूल को देखते हैं जो कि काफी सैड अपने अपार्टमेंट में बैठा होता है। वो अपने अपार्टमेंट को आग लगा देता है क्योंकि वो जिंदा नहीं रहना चाहता था, वो सुसाइड कर रहा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि डेडपूल सुसाइड क्यों करना चाह रहा था। हमें एक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें डेडपूल अपने कुछ दुश्मनों से लड़ रहा होता है जो कि काफी बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी वहां से भाग जाता है। तो डेडपूल कहता है
को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मुझे वैनेसा से मिलना है। क्योंकि इन दोनों को एक साथ रहते हुए पूरे 2 साल हो चुके थे और इसने उसको विश करना था। लेकिन जब डेडपूल घर जाता है तो वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि वहाँ से भाग गया था। वो यहाँ वैनेसा को मार डालता है। जब डेडपूल ये देखता है तो उसे काफी दुख होता है। वो उस आदमी के पास जाता है और उसे ट्रक के नीचे देखकर मार देता है। फिर वो वापस वैनेसा के पास आता है। वो काफी उदास होकर कहता है कि मेरी वजह से ही तुम मरी, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। नो डाउट वो आखिरी आदमी को भी मार चुका था, लेकिन उन सब लोगों को खत्म करना चाहता था जो उसके लिए बुरे थे, जो किसी की बिला वजह जान लेते हैं बिना किसी रीजन के। उसे वैनेसा की बहुत याद आया करती थी और वो कई तरह से अपनी जान लेने की कोशिश करता था। कभी वो बिल्डिंग से नीचे जंप लगा देता, कभी उसके अंदर रोड्स घुस जाती, कभी वो खुद को आग लगा देता, लेकिन उसे कुछ न होता क्योंकि वो इमोर्टल था और इस चीज से वो खुद भी तंग आ चुका था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जब वो अपने अपार्टमेंट को आग लगा के दोबारा से सुसाइड करने की कोशिश करता है। यहाँ पूरे अपार्टमेंट में आग लग जाने की वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसे वैनेसा का विजन आता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा काम ये नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही डेडपूल की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पर स्टील मैन आता है और उसके बॉडी पार्ट्स देख के उसे एक सैक में डालकर अपने साथ ले जाता है और फिर उसे छोड़ देता है। जब डेडपूल की बॉडी हील हो जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब वो उदास एक काउच पर लेटा होता है कि तभी उसके पास स्टील मैन आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इतने पावरफुल हो और बनो भी, आज के बाद यही तुम्हारी फैमिली है और तुम हमारे साथ यहीं पर रहोगे। उस घर में 2 लड़कियां और होती हैं, एक वही टीनेजर जिसके छोटे बाल थे और एक पिंक बालों वाली लड़की। अब सीन यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक ह्यूज आदमी को देखते हैं जिसकी एक आंख में लेजर जैसा कुछ था और उसके हाथ में घड़ी थी। जब वो उस घड़ी को मूव करता है तो वो कहीं जगह पर आ जाता है। वहाँ खड़े वो 2 आदमियों से पूछता है कि ये कौन सा साल है, मैं किस ईयर में हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कोई जवाब देते वो उनको मार कर उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन दोबारा से वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो चारों रह रहे थे, यानी डेडपूल, स्टील मैन, पिंक बालों वाली लड़की और वो टीनेजर। ये सब अपनी टीम को एक्स मैन की टीम कह रहे होते हैं। अब टीनेजर स्टील मैन से कह रही होती है कि आपको बहुत ट्रस्ट है ना डेडपूल पर, मुझे तो डेडपूल बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं लगता है, ये कुछ भी ठीक से डिसाइड नहीं कर पाता, कभी सुसाइड करने की ट्राई करता है और कभी कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो डेडपूल फौरन से बोल पड़ता है कि तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं खुद को ठीक करूंगा, मैं जितने दिन इस घर में रहा मैंने बहुत कुछ सीखा और हम बहुत अच्छी एक्समैन टीम बनेंगे। ये बात सुनकर सारे काफी खुश हो जाते हैं। स्टील मैन उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है मुझे खुशी है मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब सीन चेंज होता है एक म्यूटेंट स्कूल की तरफ। वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे थे जिनमें कुछ ज्यादा एबिलिटीज थी जो कि इंसानों में नहीं होती, वो बच्चे म्यूटेंट्स थे। अब उस स्कूल का प्रिंसिपल जो कि क्लासेस वाला आदमी होता है उन सब बच्चों से कह रहा होता है कि ठीक है मैं जानता हूँ तुम लोगों में एबिलिटीज है, लेकिन तुम लोगों ने इसको दुनिया के सामने शो नहीं करना और इन पर कंट्रोल रखना है। अब प्रिंसिपल उनमें से एक हेल्दी बच्चे को सामने स्टेज पर लाता है और सब बच्चों के सामने उसे टॉर्चर करने लगता है। वो बच्चों से कहता है कि अगर अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल ना किया तो आप लोगों के साथ भी यही किया जाएगा, ताकि आप ये सीख लें कि कंट्रोल कैसे किया जाता है। पता नहीं कैसा स्कूल था ये। तभी हम उस घर को देखते हैं जहाँ पर वो चारों यानी एक्समैन टीम रह रही थी। तभी स्टील मैन डेडपूल के पास आता है और उसे कहता है कि एक मसला हो गया है और हमें उस जगह पर जाना है। अब जहाँ मसला हुआ था वो उसी म्यूटेंट स्कूल के बाहर वाला हिस्सा था जहाँ पर वो हेल्थी बच्चा टॉर्चर किए जाने की वजह से काफी तंग आ चुका था और बाहर आकर 2 पुलिस कार्स को डैमेज कर चुका था। उसकी एबिलिटी थी कि वो हाथों से आग फेंक सकता था। अब जनाब वहाँ पर ये एक्समैन टीम भी पहुँच जाती है और उस बच्चे को आराम से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा डेडपूल पर और उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसके बाद पुलिस इसके गले में एक डिवाइस डाल देती है। उसी टाइम वेट यानी डेडपूल नोट करता है कि उसके गर्दन पर कोई निशान है, यानी ये बच्चा ऐसे ही अग्रेसिव नहीं हुआ, इसके साथ जरूर कोई जुल्म हुआ है। तो डेडपूल भी स्कूल के बाकी स्टाफ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस उसके गले में भी वो डिवाइस डाल देती है। इनफैक्ट ये ऐसी डिवाइस थी जो किसी की भी सुपर एबिलिटीज को कंट्रोल में कर सकती थी। जिसके गले में भी ये डिवाइस होती वो अपनी एबिलिटीज को ठीक से यूज ही न कर पाता, और सबसे बड़ी बात ये डिवाइस खुद से उतर भी नहीं सकती थी। यहाँ पे उस हेल्थी बच्चे को और डेडपूल को एक साथ उधर म्यूटेंट सेल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर और भी लोगों को पकड़ कर लेकर आया गया था और उन्हें सूट भी पहनाया जाता है जैसे क्रिमिनल्स का हो। अचानक से वेट यानी डेडपूल को दर्द होने लगती है, क्योंकि जब तक उसकी एबिलिटीज उसके पास थी उसे अपनी कैंसर की डिजीज फील ही ना हुई, लेकिन क्योंकि अब उसके गले में डिवाइस थी और उसकी एबिलिटीज उसके पास नहीं थी तो उसे काफी दर्द हो रहा था क्योंकि उसका कैंसर वापस आ रहा था। तो वो हेल्दी बच्चा बोलता है कि ये हमारी गलती है कि हम अपने लिए स्टेप नहीं लेते, अच्छा खासा मैंने स्टेप लिया लेकिन पुलिस ने आके वहाँ सब कुछ खराब कर दिया, वो लोग जानते ही नहीं कि स्कूल का प्रिंसिपल कितना बुरा आदमी है, उसने मुझे इतना मारा, इतना टॉर्चर किया और जैसे ही मैं इस सेल से निकलूंगा मैं उसे मार डालूंगा। और इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो अजीब आदमी आ जाता है जो कि लोगों से ईयर का पूछ रहा था और उसकी आंख में कुछ चमक रहा था। वो उस हेल्दी बच्चे की तरफ पॉइंट आउट करता है कि मुझे ये बच्चा चाहिए। वेट यानी डेडपूल कहता है कि मैं तुम्हें इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, और इसी के साथ उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते डेडपूल ग्रिल से नीचे गिर जाता है और शुक्र है कि उसके गले से वो डिवाइस हट जाती है और उसमें उसकी एबिलिटीज दोबारा आने लगती है।
उन दोनों में दोबारा से फाइट होने लगती है। वेड उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें मसला क्या है, तुम्हें वो बच्चा क्यों चाहिए। तो वो आदमी अपना नाम केबल बताता है और कहता है कि पहले तुम बताओ, तुम उस बच्चे को जानते भी नहीं और फिर भी उसे बचा रहे हो। तो वेड कहता है क्योंकि उस बच्चे को ये लगता है कि मैं उसे बचाऊंगा और मुझे उसकी होप नहीं तोड़नी। तभी वेड को दिखता है कि केबल की पॉकेट में एक बॉम्ब है, तो उस बॉम्ब को उस बिल्डिंग में एक्सप्लोड कर देता है और वेड और केबल दोनों ही बाहर आकर गिरते हैं। वेड बाहर बेहोश हो चुका था, तभी उसे ख्वाब में वेनेस आती है, उसे करेज देती है और कहती है कि यही चीजें तुम्हें पावरफुल बनाती हैं। और तब वेड को होश आ जाता है। वहां से वेड सीधा उसी बार में जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैं एक बच्चे को बचाना चाहता हूँ। तो उसका बार वाला दोस्त कहता है कि ठीक है, हम एक टीम बनाकर उसको बचा सकते हैं। वहां पर वही टैक्सी ड्राइवर भी होता है। अब हम दोबारा से उसी हेल्दी बच्चे को देखते हैं जो कि अभी तक म्यूटेंट सेल में ही होता है, और वहां पर उसकी दोस्ती एक काफी खतरनाक और काफी बड़े म्यूटेंट से हो जाती है। दूसरी तरफ वेड उस बच्चे को बचाने के लिए 6 लोगों की टीम बनाता है, जिसमें 5 लड़की और 1 लड़की होती है। उन सबकी अलग अलग एबिलिटीज होती है। लड़की की ये होती है कि वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकती। एक आदमी ऐसा था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था, एक आदमी ऐसा था जिसके मुंह से एसिड निकलता था, एक ऐसा था जो कि गायब हो जाता था यानी इनविजिबल, एक ऐसा था जो कि इस दुनिया से नहीं था और उसमें एबिलिटीज भी इस दुनिया की नहीं थी, और एक मूंछों वाला आदमी जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं थी, तो उसे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रख लिया गया था। दूसरी तरफ हम केबल को देखते हैं, वो वेट के बार वाले दोस्त को किडनैप कर लेता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि वो म्यूटेंट बच्चा कहां पर है, साथ ही साथ वेट चाहता क्या है। तो वेट का वो बार वाला दोस्त काफी डर जाता है और उसे सब कुछ बता देता है, और ये भी कि वेट के क्या प्लान्स हैं। अब वेट को खबर होती है कि उस म्यूटेंट बच्चे को किसी दूसरे सेल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके पास अच्छा मौका था उस बच्चे को बचाने के लिए। तो अपनी सारी टीम को पैराशूट्स पर लेकर उड़ता है और उन पुलिस कार्स का पीछा करने लगता है जिसके अंदर वो म्यूटेंट बच्चा था। उस टीम में से सिर्फ एक ही लड़की होती है, वही कर्ली बालों वाली लड़की, जो कि पुलिस की कार में बैठ जाती है। अब बाकी लोग भी उस कार के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले ही केबल अंदर चला जाता है और उस कर्ली बालों वाली लड़की से लड़ाई करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर डेडपूल भी आता है जो कि अपनी साथी को बचा लेता है। इतनी देर में उस म्यूटेंट बच्चे ने अपना ग्लास चैम्बर खोल लिया होता है और साथ ही साथ वो उस म्यूटेंट को भी बचा लेता है जो कि काफी जायंट था, उससे दोस्ती कर ली थी उसने। वो म्यूटेंट बच्चा जैसे ही डेडपूल को देखता है तो कहता है कि जब मुझे बचाने का टाइम आया तो तुम वहां से भाग गए और अब आ गए हो, अब ये मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है। उस जायंट म्यूटेंट की तरफ इशारा करता है और इसके बाद वो जायंट म्यूटेंट डेडपूल की बॉडी के 2 हिस्से कर देता है, और फिर वो बच्चा उस जायंट म्यूटेंट को अपने साथ लेके चला जाता है। इसके बाद कर्ली बालों वाली लड़की आती है और वेट यानी डेडपूल के दोनों हिस्सों को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब वेट को घर ले जाया जाता है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी होती है और यहाँ पर वेट काफी फनी लग रहा होता है क्योंकि उसकी टांगे रीग्रो कर रही होती हैं जैसे किसी बेबी की हो। वो वेट कर रहा होता है कि कब उसकी टांगे ठीक हो और कब उस बच्चे को बचाने जाए। तभी वहाँ पर केबल आ जाता है और उससे आराम से बात करता है, कहता है कि मैं तुम्हें अपने सारे कंसर्न्स बताता हूँ, मैं क्यों नहीं उस बच्चे को बचाना चाहता और तुम्हारी सोच भी गलत है जो तुम सोच रहे हो कि अभी भी तुम उस बच्चे को बचाना चाहोगे। अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं इस बच्चे को क्यों नहीं बचाना चाहता तो सुनो, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मेरी एक छोटी सी बेटी है और एक बहुत अच्छी वाइफ है, अब ये बच्चा बड़ा होकर मर्डर बनेगा और मेरी फैमिली को मार डालेगा। अभी भी वो स्कूल के प्रिंसिपल को मारने जा रहा है, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके बाद उसे मर्डर्स करने की आदत हो जाएगी। मैं सब जानता हूँ कि उसने क्या करना है बड़े होकर, लेकिन अब मसला है मैं तुम्हारी हेल्प के लिए क्यों आया हूँ, क्योंकि पहले वो अकेला था और मैं अकेला ही उसे पकड़ सकता था, लेकिन अब उसके साथ वो जायंट म्यूटेंट है और मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम ही उसे हरा सकते हो, मैं मानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रांग हो। तो डेडपूल कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जाते ही उसे मारोगे नहीं बल्कि प्यार से समझाओगे, हो सकता है कि वो हमारी बात समझ ले। अब उन दोनों में डील हो जाती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो रास्ते में वेड एक्समैन हाउस पे रुकता है जहाँ पे वो स्टील मैन होता है, वो उसे बुलाता है तो वो कहता है भाई तुम्हारे मसले खत्म नहीं होते, मैं नहीं आऊंगा। डेडपूल और केबल के साथ वो कर्ली बालों वाली लड़की भी होती है, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तो इतनी देर में वो बच्चा और जायंट म्यूटेंट उस स्कूल के अंदर जा चुके होते हैं। वो बच्चा अंदर जाकर प्रिंसिपल को मारने ही वाला होता है कि तभी वो जायंट म्यूटेंट बाहर आकर उन लोगों से मुकाबला करने लगता है, लेकिन वेड केबल और वो कर्ली बालों वाली लड़की मिलकर भी उस जायंट म्यूटेंट का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। अभी वहाँ पर स्टील मैन आ जाता है, यानी था वो भी दिल का अच्छा करना चाहता था वो मदद, लेकिन उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा थी जो कि अच्छी बात भी है। वो आकर उस जायंट म्यूटेंट से लड़ने लगता है और कर्ली बालों वाली बच्ची स्कूल के अंदर चल जाती है ताकि उस बच्चे को रोक सके। वो अंदर जाकर पहले तो सारे बच्चों को वहाँ से बाहर निकालती है। अब केबल और डेडपूल उस बच्चे के पास आते हैं, बाहर स्टील मैन के पास वो टीनेजर भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर उस जायंट म्यूटेंट को मार डालते हैं। अब वो बच्चा प्रिंसिपल को अंदर मारने ही वाला था, तो ये देखते हुए केबल उस बच्चे को मारने लगता है, लेकिन डेडपूल उसे रोकता है कि तुमने कहा था कि हम इसे
समझने का एक मौका जरूर देंगे, इसे एक चांस देंगे। अब डेडपूल उस हेल्दी बच्चे को समझाने लगता है कि देखो, अगर तुम प्रिंसिपल को इसलिए मार रहे हो कि वो तुम लोगों को टॉर्चर करता है, तो तुम भी उसे मारने के बाद एक मर्डरर बन जाओगे और कोई तुम्हें अच्छा नहीं समझेगा, तो उसमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा। इसी के साथ वो उस बच्चे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से बचाना चाहता था, इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उस बच्चे को डेडपूल की बातों पर यकीन नहीं आता, अपने हाथों से आग निकालता है और उसे जोर से पुश करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब डेडपूल जब गिरता है तो उसे काफी दुख होता है, वो अपने गले में वही डिवाइस पहन लेता है। हेल्दी बच्चे से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा तो ठीक है, मैंने डिवाइस पहन ली, मेरी सारी एबिलिटीज खत्म हो गई, अब मैं मर सकता हूँ तो तुम मुझे मार लो। लेकिन केवल इसी के साथ ही उस बच्चे को शूट करने लगता है और वो गोली चला देता है। लेकिन तभी बीच में डेडपूल आ जाता है, गोली उसको लग जाती है। यहाँ पर हेल्दी बच्चा फौरन से वेट के पास भाग कर आता है और उसे सॉरी करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अब क्योंकि वेट यानी डेडपूल के गले में डिवाइस थी, तो उसके बॉडी पार्ट हील नहीं हो सकते थे और इसी के साथ वो मर जाता है। मरने से पहले वो सबसे कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मेरा तुम लोगों के साथ अच्छा टाइम गुजरा। मरने के बाद वो वैनेसा के पास पहुंच जाता है, तो वैनेसा उसे गले से लगाकर कहती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए, अभी तो दुनिया को तुम्हारी जरूरत थी, तुम वापस एक्समैन टीम में जाओ। उधर केबल को भी काफी दुख हो रहा होता है कि उसने क्या कर दिया। वो अपनी वॉच को मूव करने लगता है, इससे टाइम रिवर्स हो जाता है और ये उसके पास आखिरी चांस था जो कि उसने अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए रखा था। टाइम वहीं पर आ जाता है जहाँ पर डेडपूल को गोली लगने वाली होती है, गोली उसे वहीं पर लगती है जहाँ पर उसकी पॉकेट में कॉइन होता है और लकीली वो बच जाता है। तो डेडपूल अब केबल से कहता है कि तुमने मेरी खातिर अपना आखिरी चांस क्यों जाया किया। तो केबल कहता है जैसे तुमने मेरी हेल्प की वैसे ही मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुमने इस बच्चे को मर्डर करने से रोक लिया, इसका मतलब बड़ा होकर ये मेरी बेटी और मेरी बीवी का भी मर्डर नहीं करेगा, तो मेरी फैमिली सेफ है, मैं यहाँ कुछ देर इंतजार करूंगा और अपनी फैमिली के पास वापस चला जाऊंगा। वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी पीछे से स्कूल का प्रिंसिपल आता है और उन्हें बुरा भला कहने लगता है, उनको ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम मारोगे हमें, इसी के साथ वो अपनी टैक्सी उसके ऊपर चला देता है, कहता है कि ये लो मैंने तुम्हें मार दिया। अब मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि केबल की वॉच को टीनेजर और वो पिंक बालों वाली लड़की ठीक कर देते हैं और फिर बाद में उसको वेट भी यूज करता है वैनेसा से मिलने के लिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।